लिए प्यारे ईसा संगे जियो। ये रूहानी जाम खुशियों का लेके आता है पैगाम, सच्ची श्रद्धा भावना से पिए उसे दिखा दे ये भगवान। ये है रूहानी जाम खुशियों का लेके आता है पैगाम, इसे पी के अच्छे कर्म करो तो इस त्रिलोकी में, इस मृत लोक में खुशियां मिले जैसे निज धाम। ये है रूहानी जाम खुशियों का लेके आता है पैगाम। सो रूहानी जाम शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले जो आज रूहानी जाम पीने आए जरा हाथ खड़ा करके बताएं, कहां कहां बैठे हाथ खड़ा कीजिए, तो साइडों में और इस तरफ भी। जी हाथ नीचे कर ले बेटा, और जिन्होंने पहले नाम लिया बचनों में गलती है तो नारा लगाएं, और आगे से गलती मत करना। रूहानी जाम पी के, रूहानी जाम पी के खुशियां भी कई गुना ज्यादा आती हैं, और गलती करती है तो फिर चली भी बहुत जल्दी जाती है। सो इसलिए बचनों में गलती ना करना। तो ये रूहानी जाम शुरू कर रहे हैं, पहले उस मालिक का धन्यवाद शुक्राना करना है, और धन्यवाद करने के जो शब्द हैं शुक्राना जो करना है उसके लिए हमें साईं मस्ताना जी महाराज ने नारा दिया है, धन धन धन्य है धन्य है। कौन? सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम, तेरा ही आसरा तेरा ही सहारा है। तो सबने मिलकर उस मालिक का धन्यवाद शुक्राना करना है। हाँ जी जोर से मिलकर नारा बोले, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो रूहानी जाम दोनों तरफ से शुरू कर दें। प्यारी सत्संग जियो, साईं मस्ताना जी महाराज जिन्होंने ये सच्चा सौदा लोगों को करना सिखाया, सच्चा सौदा बनाया, और ऐसे ऐसे वचन सच्चे सौदे के लिए हुए कि जो इन वचनों को मानेगा उसे अंदर बाहर कोई कमी कभी भी नहीं रहेगी, और बिल्कुल सच हो रहा है। मालिक कोई कमी किसी भी तरह की अंदर बाहर उन्हें नहीं छोड़ते। आज देखने में आ रहा है उनकी एक वचन कि भाई देखना बड़ी इधर सासंगति सासंगत होगी। परमपिता शास्त्र राम जी महाराज ने फरमाया, साईं जी के जो वचन हैं कि यहां से अगर थाली फेंकें सरसा की तरफ तो ऊपर ही ऊपर रहेगी, तो दिन दुगनी रात चौगनी वो बढ़ते जाएंगे। और यही हकीकत है, आज जिधर भी निगाह मारो राम नाम के दीवानों का हड़ आता है, एक तूफान सा आ जाता है जो बेमिसाल है, जो बहुत बड़ी बात है। आज वैसे तो राजस्थान का हफ्ता बनता था, सप्ताह था, लेकिन किसी ने बताया नहीं, कोई बोला ही नहीं। लेकिन कल बात की शाम के टाइम कि विद्या जी क्या कल को नाम जाम है, परसों शायद सुबह शाम को रात को। हमने कहा क्यों, आपको किसी ने मना किया है? ये तो प्रबंधक हमारे गजब के हैं, अपनी मर्जी से कैंसिल कर देते हैं। आगे भी एक बार ऐसा हुआ, तो जबकि ऐसे 45 मेंबर हैं जो ध्यान नहीं देते कि ये हमने तो कैंसिल किया ही नहीं था, हमने कब बोला था कि राजस्थान का भंडारा नहीं है या ऐसा। तो एक दिन में सत्संगत आई है, और सबसे हैरानीजनक बात है ऐसा पहले जब होता था कि एक दिन पहले बताया जाता था, जैसे शनिवार को पता चलता तो नाम वाले होते थे 200 400 500 700, और आज 4300 हैं, 4300 जो अपने आप में बेमिसाल हैं, जो नशा छोड़ने वाले। तो ये सतगुरु मौला का दिन दुगनी रात चौगनी, आप हिसाब लगा लें, पहले 500 और अब 4300, कितने गुना हो गया आपको खुद ही पता चल जाएगा। हमें लगता है ये तो 8 गुना से ऊपर निकल गया काम। तो ये उनके वचन कैसे नहीं पूरे होंगे, हर वचन पूरा हो रहा था, हुआ है और होता रहेगा। बस आप दृढ़ यकीन वाले बनना चाहिए, आपको हिम्मत करनी चाहिए, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। सच्चे सौदे की तरफ, अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब के पुजारियों की तरफ अगर कोई एक कदम भी बढ़ाता है तो मालिक हजारों कदम उनकी तरफ बड़ा चला आता है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बीच में रह के कुछ बुरी सोचते हैं, बुरा करते हैं, तो कुलों तक का खात्मा होते हमने अपनी आंखों से देखा है। आप लोग भी उन लोगों को जानते हैं, कहां गुड्डी आसमानों पे घूमती थी और अब गुड्डी का पता ही नहीं कहां चलेगी वो पतंग, जिन्होंने ऐसा किया। और आज भी कुछ लोगों का शायद ऐसा ही कुछ नजरिया होगा शायद,
कि जो बुरा सोचते हैं, हम कभी किसी धर्म के खिलाफ 1948 से लेके आज तक बोले हों, हम अभी सत्संग बंद कर देंगे, इससे बड़ा गारंटी हम देते ही नहीं। किसी आदमी के खिलाफ हम कुछ गलत बोले हों, हम अभी गारंटी देते हैं। हाँ, लोग क्या बना देते हैं वो एक अलग बात है। आप सोच रहे होंगे गुरुजी आपने अभी बोला है कि जो राम नाम के बुरा कर रहे हैं उनका खात्मा हो जाता है। नहीं, ये हमने वो बताया है जो धर्मों में लिखा हुआ है। पर निंदा सो गौ घात समाना, हमारी पवित्र रामायण में लिखा हुआ है, पर निंदा सो गौ घात समाना। और सिख धर्म में लिखा है, निंदा बलि किसी की नाही मन मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका नरके को होर पवन। अब किसी भी धर्म को उठा लें, इस्लाम धर्म में लिखा है, जो फालतू की बहसबाजी करेंगे, दूसरों की चर्चा में ही सारा टाइम लगा दिया करेंगे, एक दिन उनकी हालत खस्ता होगी और अल्लाह ताला की दरगाह से उन्हें दरकार दिया जाएगा, उनको नहीं जाने दिया जाएगा। ईसाई धर्म को देख लो, उसमें भी साफ लिखा है कि जो फजूल की बहसबाजी किसी को बुरा कहने में अपना समय बर्बाद करते हैं, वो उतना ही गॉड से दूर होते हैं और यहां हमेशा दुखी रहते हैं। हमने तो उन वचनों को रिपीट किया है जो संत महापुरुषों के लिखे हुए, कि जो लोग मालिक के प्यारों का बुरा करते हैं, मालिक की बुराई में चलते हैं, तो उनका हाल हमेशा बुरा होता है। एक सच्ची घटना, बात पे बात आ गई, आपको सुना देते हैं कि एक बार एक फकीर जो मालिक से बहुत मोहब्बत करता था, बहुत प्यार करता था, वो फकीर, वो संत हमेशा मालिक की उपमा करता था। वो जंगलात से शुरू होता तो पेड़ पौधों की उपमा करता, वाह मालिक, वाह प्रभु, वाह ईश्वर, क्या गजब किया है तूने। अरे एक पेड़ से दूसरे पेड़ का डिजाइन ही नहीं मिलता, अजी एक पेड़ से दूसरे पेड़ की खुशबू नहीं मिलती, वाह मेरे कलाकार मौला, वाह मेरे कारीगर मौला, क्या कमाल किया है तूने। वो यूं कहता हुआ हर चीज की उपमा कर रहा था। शहर में एंटर हुआ, देखा वह बिल्डिंग गजब बना रखी है भाई, क्या सुंदर बना रखी है, हे मालिक तेरे आदमी ने क्या क्या कर रखा है। करते 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 अचानक एक बहन सिर नहाई हुई थी और वो कोठे के ऊपर थी, तो उसने ऐसे फकीर करते करते जब उधर देखा, वाह मालिक तेरी खूबसूरती का कोई अंत ही नहीं, क्या खूबसूरत बहन को बनाया है। अब उसके कानों में लड़की के पड़ा कि ये फकीर मुझे कुछ कह रहा है, कहते क्या कह रहा है बाबा। कहने लगा बेटी मैं ये कह रहा हूं, वाह भगवान तूने क्या खूबसूरती कला की है, कितना सुंदर बनाया है आपको। तो उसने शोर मचा दिया कि ये संत जो है, ये बाबा जो है, ये सौदाई हो गया, मेरे पीछे पागल हो गया, मुझे गलत बोल रहा है। कहते ना बहन ना, मैं कुछ गलत नहीं, मैं तो उस मालिक की तारीफ कर रहा हूं प्रभु की। तो फकीर चल पड़ा, लोगों ने घेर लिया, कहने लगे बाबा क्या बोला, कि मैंने तो ये बोला। इतने में एक आदमी आया, कुछ पूछा नहीं, बताया नहीं, फकीर को मारने लगा। फकीर चुपचाप रहा, दो चार मारने के बाद कहते ऐसा बोलेगा कभी। कहता हां हमेशा ही, मालिक की तो मैं उपमा करता हूं, तू है कौन जो मुझे मारने लगा। कहने लगा मैं उस लड़की का मालिक हूं। कहने लगा अच्छा, इसलिए मुझे मारने आया। कहता हां। संत मुस्कुराए, चुप रहे। तो वो मार के वापिस जाने लगा, सीढ़ियां चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया, लास्ट सीढ़ी पे पैर फिसला और लुढ़कता लुढ़कता नीचे आया, गर्दन टूट गई, मर गया। वो औरत आई, भागी, शोर मचा दिया, रोने लगी, हाय तौबा, ये हो गया वो हो गया, मुझे ये कर दिया, इस फकीर ने कोई जादू किया है। सारे लोग खड़े, सबने देखा है, संतों ने तो कुछ कहा ही नहीं, वो मार के संतों को गया है, संतो चुप रहे मुस्कुराए बस। तो कहने लगी इसने किया है। कहने लगा वो कौन था। कहते मेरा मालिक था। कहते इस संत, कहने लगे इसलिए मुझे पीट के गया। कहते हां। कहते फिर मेरा भी कोई मालिक है जिसका नाम भगवान है, तेरे वाला मुझे पीटने आ गया, मेरे वाले ने तेरे वाले को कुछ कह दिया, ये तो मालिकों मालिकों की बात है, आप क्यों लड़ रहे हैं। तो भाई अगर कोई इस बुते पे या पैसे के दम पे या किसी को बुरा कहता है, तो फिर मालिक तो सबका है, जिसका कोई मालिक यार है वो मालिक से फरियाद करता है। तो आप सब जानते हैं कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, यहां हमारा कहने का मतलब जितना हो सके सबका भला करो,
नहीं भला कर सकते तो कम से कम किसी का बुरा कभी भी मत करो, क्योंकि भगवान अल्लाह राम ईश्वर गौड़ खुदा सबको देख रहा है। हां, सच के मार्ग पे दृढ़ यकीन से दृढ़ता से चलते जाओ, ताकि सच के राह पे चलते हुए आपको अंदर बार किसी भी तरह की कोई कमी कभी भी ना आए। तो दृढ़ यकीन के साथ प्रभु ईश्वर की भक्ति इबादत में जो चला करते हैं, उनके अंतकरण की सफाई होती है। और जैसे हम जिस तरह से शीशे को साफ करते हैं, दर्पण को साफ करते हैं, तो उसमें से चेहरा नजर आने लगता है साफ साफ। अगर धुंध हो तो उसको साफ कर दो, चेहरा नजर आता है। उसी तरह राम नाम से दिलो दिमाग रूपी शीशा साफ हो जाता है और भगवान के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। सिर्फ दिखावे से, सिर्फ झूठी मान बढ़ाई से, सिर्फ पहनावे से प्रभु खुश हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, ना कभी हुआ है। उसको पाने के लिए अंदर एक भावना होना चाहिए, एक शुद्ध भावना, श्रद्धा, दृढ़ यकीन होना चाहिए। जैसे आप अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए तड़प जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, उसी तरह आप भगवान के लिए कभी व्याकुल होके देखो, ईश्वर के लिए कभी व्याकुल होके देखो। ऐसी श्रद्धा, ऐसी भावना, जैसे आपका कोई बहुत प्यारा रिश्तेदार बेटा या परिवार से दूर रहता है, मालिक ना करे वो एक्सीडेंट हो जाता है उधर उस इलाके में, आपको खबर नहीं मिलती, बेअख्तियार आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं, आप रोने लगते हैं जार जार, यार पता नहीं उसका क्या हुआ, पता नहीं वो बचा है या मर गया या क्या हुआ, पता नहीं, रोते जाते हैं रोते जाते हैं। ये भावना, ये श्रद्धा जो आपकी अपने बच्चे के लिए रुपए में 100 पैसा है, ऐसी ही श्रद्धा, ऐसी ही भावना भगवान के लिए आप रुपए में 10 पैसे बना लो, हम गारंटी देते हैं भगवान आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। पर ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, ऐसी भावना होनी चाहिए, क्योंकि भगवान से मुझे बेटा दे दे, मुझे धन दे दे, मेरा बिजनेस करवा दे, मेरा फलां कर दे, मेरा ये कर दे, तो सबको ही कहता है, कोई रो के ये कहे भगवान मुझे तो तू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यकीन मानो, ऐसा वैराग्य, ऐसा तड़प, ऐसे तरीके रास्ते के घोड़े पे जो सवार होते हैं वो पल में मालिक के दर्श दीदार करने लग जाया करते हैं। खुश्क नवाजे, खुश्क भक्ति इबादत आप सुबह शाम करें, एक मजबूरी समझ के किया, एक नियम समझ के किया, यार लोग देख रहे हैं किया, यार मेरा धर्म कहता है, चलो किसी भी रूप में आप सुबह शाम मालिक को याद करते हैं, वो तो आप एक नियमानुसार कर रहे हैं, उसका फल है। पर कहां आपके अंदर एक लगन लगी हो, कहां आपके अंदर एक तड़प हो, एक व्याकुलता हो, यार मैंने मालिक को याद करना है, कब टाइम आएगा, और उस टाइम में बैराग्य अपने आप बह जाए, ईश्वर की याद में बहे आंसू हीरे जवाहरात से बढ़ के काम कर जाते हैं और जन्मों जन्मों के पाप कर्म धो डालते हैं। पर उसकी याद में कोई कोई रोता है, हर किसी को अपनी पड़ी है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरा ये सही नहीं, मेरा वो सही नहीं। कोई मालिक की तड़प में रोए, कोई मालिक की याद में, और रोना आसान नहीं होता। हाँ, ग्लिसरीन डाल के तो कलाकार रो लेते हैं, अब तो हमने नजदीक से देख लिया है, क्योंकि एक्टिंग हो रही थी हमारे साथ। वो कह रहे थे गुरुजी आप कैसे ऐसे भावना पैदा कर लेते हो, हमने कहा हमारी है ही भावना और है ही नहीं कुछ। कहते नहीं, हमें तो ग्लिसरीन चाहिए, 2 बूंदे डाले टपक टपक आंसू टपकते हैं। सो वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ईश्वर के लिए एक भावना से, एक तड़प से, एक व्याकुलता से रोना और उसी को याद करके, ये नहीं आप भक्ति कर रहे हो आपके पिताजी गुजर गए हैं आप उसको याद कर करके रो रहे हो कि मेरा काउंट हो जाएगा भगवान में, नहीं ऐसे नहीं होगा। ऐसा होता है कई लोगों को, ईश्वर की याद में बैठे हैं और याद उसको करेंगे जो अपना प्यारा है, और आंसू आगे कहते देख आगे ना आंसू, नहीं ऐसे नहीं, ये तो एक दिखावा है, ये तो एक ढोंग है। उसकी याद में, प्रभु की याद में आंसू अपने आप बह चलते हैं, वो मालिक से जल्दी मिलाते हैं और उसके बदले में अंदर बाहर से आपकी झोलियां माला माल हो जाती हैं। तो लंगर शुरू किया नहीं क्या भाई, लांगरी क्या बात, हमने हेड लांगरी को अभी बोला था यहां से कि आप लंगर खिलाना शुरू कर दो, उसको बुलाना भाई गुरुदीप जी को यहां, तो लंगर आप लें, हमने उसको पहले बोला ही ये था कि अभी लंगर शुरू कर दें, और अभी तक लंगर का तो हमें दिख ही नहीं रहा कोई देने वाला। तो प्यारे सत्संग जी, आप में से अगर कोई रह गया और रूहानी जाम पीने से, हाथ खड़ा करें बहनों की तरफ और भाइयों की तरफ,
हाथ खड़ा कर लें, ऐसे हिला दें जिसको अभी रूहानी जाम नहीं मिला और वो पीना चाहता है, देखना भाई कहीं भी कोई हाथ हिल रहा हो। जी तो सबने पी लिया है लगभग लगभग, और दोनों तरफ बराबर हैं, तो जोर से आप नारा लगा के बैठ जाएं बेटा, जितना सुमरण किया सेवा सुमरण सत्संग का फल आपको सत्संग को खुशियां मिले आश्वर्य, जोर से नारा लगा के बैठ जाएं बेटा। तो अलग अलग नाम वालों की गिनती लिखी जाती है, पर इसमें वो लोग नहीं होते जो अपने आप नाम लेने आते हैं, तो जो हरियाणा के 1259, राजस्थान 430, सरसा लिटिल रोजेस 420, पंजाब 287, बेबी पिंक रोजेस तारानगर 272, इंटरनेशनल बॉय स्कूल 219, बटरलाइन सरसा 65, बिहार 21, यूपी 19, दिल्ली 8, नेपाल 2 और हिमाचल 1, और लगभग 1300 जो अपने आप आए हैं, और इस तरह 4300 नाम वाले हुए हैं जी। और आशीर्वाद एक सुंदर सा कार्ड भी इन बच्चों ने बनाया है, आशीर्वाद। शासन जी की निष्पलेम का प्रचलन 9 सेवादार, 21 बाई 6 बहने 27 सेवादार, जिनमें शाही आश्र आश्रम के 7 लड़के हैं, खड़े हो जाएं। टीनेज वॉरियर्स 2 लड़कियां, यूथ वीरांगने 20, आईटी विंग 17 बहन भाई, जिनमें 2 इटली से हैं, खड़े हो जाएं, ऑनलाइन में भी चाहे कहीं भी हैं। संगत लंगर समिति 24 बहने, जिम्मेवार 2, महाव्यान के फार्म भरने वाले 27 भाई 10 बहने 37 सेवादार। तो धन्य मावो धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आगे आते हैं, और धन्य वो कुल हो जाती है जिनके बच्चे सेवा करके और निभाते हैं। सो जोर शोर से सेवा करना, मालिक दिन तुगनी रात चौगनी दिया मेरे, हमसे माला माल करें, जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। खाने पीने की अनजाने में गलती हो बैठे बैठे नारा लगा दीजिए, मालिक माफ करेंगे। 3 वचनों में कोई गलती हुई है पहली बार, अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। 3 परहेजों में गलती हुई है, अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। इधर उधर मत देखिए, 3 वचनों में पहली बार जिनसे गलती हुई, बेटा गलती कभी नहीं करनी चाहिए, सारी खुशियां चली जाती हैं, पर आज आप सच्चे दिल से तौबा कर रहे हो तो मालिक से दुआ करके आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, वचनों में कभी गलती ना करना। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाइए, मालिक माफ करेंगे, बैठ जाए। पावन अवतार माँ की खुशी में मनदीप कौर कनाडा से 10,000, अवनदीप इंसा प्रदीप इंसा न्यूजीलैंड 7,777, लक्ष्मी देवी इंसा 12,000, और इसके अलावा 41 बहन भाई दीन दुखी मध्य के लिए बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं। तो खड़े हो जाएं, सेवा समय मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां, मालिक रहमो करम से नवाजे, और मालिक से प्यार बढ़ता जाए, नारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद। आप जी की प्रेरणा से पिताजी चलाई हुई मुहिम आशियाना के तहत एक जरूरतमंद भाई बलदेव सिंह पुत्र बजेंद्र सिंह निवासी पन्नीवाला मोटा बलाक रामपुर देड़ी चक्का जिला सरसा को पूरा मकान बना के दिया गया है। आप जी के पुत्र कमल चाबी दिलवाने, मकान शास्त्राम जी बॉय स्कूल सरसा ब्लॉक बटर लाइन द्वारा बनाकर दिया गया है। तो वो खड़े हो जाएं, ब्लॉक वाले जिन्होंने इसमें तन मन धन से सेवा की है, चाबी लाएं भाई, एक और भी सेवादार खड़े हो जाएं, कोई बात नहीं। प्रेमी कुलदीप इनसा पुत्र सोनलाल सेवादार बुद्धवाड़ी दरबार ब्लॉक संगरिया जिला हनुमानगढ़ को उनके बेटे के चोला छोटे पर आर्थिक सहायता हेतु शास्त्राम जी की नेशनल की ब्लाइक फंड खाते में 50,000 रुपए चेक दिया जा रहा है। आप जी की प्रेरणा के तहत पिताजी चलाई गई मुहिम साथी के तहत ब्लॉक रतिया द्वारा जरूरतमंद अपाहिज भाई गुरजीत इंसा निवासी अलीका ब्लॉक रतिया जिला फतेहाबाद को ट्राई साइकिल दी जा रही है। तो जिन ब्लॉकों ने सेवा की, सेवा से मन लगे, मालिक से प्यार बड़े, घरों में खुशियां आए बेटा, प्रसाद ले लेना, खुद लेना, जो नहीं आए उनके लिए ले जाना, जोर से नारा लगा के बैठ जाए, आशीर्वाद। आ जाए भाई जिनको घर बना के दिया गया, वचनों में पके रहना, सुमन करते रहना, घर आपके लिए सुख देने वाला हो, मालिक से दुआ करते हैं बेटा, आशीर्वाद। और जिनको चेक दिया जा रहा है आ जाएं, उनकी बीमारी के इलाज के लिए। विदेशों से जाम भी नहीं आए मनदीप कौर कनाडा आशुआ बेटा, और नैन्सी इंसान साइप्रस, प्रीति इंसान शिवदेव इंसान, जोगिंदर इंसान यूएसए, अमनदीप कौर इंसान एक्सीडेंट, बेटी गुरवाणी अटवाल ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। तो बहुत बहुत स्वागत बेटा, जो भी सत्संग चल के आई है, मालिक खुशियां दे, प्रसाद ले लेना, मालिक रहमो करम से नवाजे, नारा लगा के बैठ जाए बेटा, आशीर्वाद। हाँ जी ट्राई साइकिल इनको दें, हाँ बैठाए बेटा, बैठ जाए बच्चे, आराम से बिठाएं बेटा, आराम से, लगना जाए ख्याल से,
दो तीन लग जाओ, उठा के बिठा दो सीट पे। जी तो आप ले जाएं बेटा इसको चला के। हाँ ले जाएं आप उसको, चला लें बच्चे उसको, चला ले बेटा हैंडल को। हाँ ले जा आगे। हाँ ले जाओ, थोड़ा धक्का दे दे, चले जी। तो ये इनको ट्राइसाइकिल दिया गया है, आशीर्वाद। और विदेश जाने वाले सुरेश इंसा, राहुल इंसा, भगवंत इंसा, पाकर इंसा, आकाश इंसा, बलविंदर इंसा, जगमीत इंसा, रुपिंदर इंसा कनाडा से, प्रदीप इंसा ऑकलैंड, और रितिका इंसा इटली से। बेटा बचनों पे पक्के रहना, सुमन करते रहना, मालिक साथ प्रसाद खुद भी लेना, सात संगत परिवार के लिए लेके जाना, और सबको कहना पिता ने आशीर्वाद भेजा। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाए, आशीर्वाद बेटा। दिल्ली में 13 से 15 नवंबर तक हुई उड़ान प्रोजेक्ट के, पूरे भारत में नॉन मेडिकल के लगभग 15,000 बच्चों ने भाग लिया। 946 बच्चों ने इस पेपर को क्लियर किया, जिसमें शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल सिरसा की नवजोत कौर प्लस टू नॉन मेडिकल भी ने भी आप जी की रहमत से पेपर क्लियर किया। सीबीएसई की तरफ से नवजोत को इनाम में टैब दिया गया है जी, और आईआईटी कॉलेज में एडमिशन के बाद स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। इस खुशी में पूरा स्कूल आप जी का धन्यवाद करता है। वो बच्ची अगर यहाँ है तो हाथ कर, शाबाश बेटा, और आगे बढ़ना बेटा, अच्छा बनना बेटा, मालिक तरक्की दे, आशीर्वाद, प्रसाद लेना, आशीर्वाद बेटा। सारे स्कूल को भी जिन्होंने दीन दुखियों को मदद के लिए आगे आए, सिमरन सेवा सिमरन मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े। आज शासंग निम्नलिखित पर्ण करना चाहते, कभी किसी के साथ भद्दा मजाक नहीं करेंगे जो खुद के साथ होने पर बुरा लगे। अगर मजाक कर बैठते हैं तो सॉरी फील कर लें, अगर उसको बुरा लगता है तो साथ में एक छूट भी है। तो हाथ खड़ा कर लें, हाथ खड़ा करें जो ये पर्ण करना चाहते, किसी को गंदा मजाक नहीं करेंगे। मान लीजिए आप कर बैठे और सामने वाले को बुरा लग गया, तो आप उसी समय या तो पांव के हाथ लगा के माफी मांग लेंगे, सॉरी कह देंगे, तो ये आप वचन में आ जाएंगे। तो जोर से नारा लगाएं, हाथ नीचे कर लें, सुमाली घरों में खुशियां दे में रहमत से नवाजे, आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, क्योंकि आप पर्ण कर रहे हैं रोजाना, बल्कि दो पर्ण होने चाहिए हमारे ख्याल से, क्योंकि एक ही मजलिस होती है। तो ये ध्यान रखा करें, कोशिश किया करें कि दो हों। और ये सत्संग जी आपको बता दें, जो फिल्म आने वाली है उसकी डबिंग हो रही है अब, तो उसके लिए हमें टाइम लग रहा है। हम रात भी शायद 12 बजे तक डबिंग कर रहे थे उसकी, तो इसलिए और कोई चक्कर नहीं है। कहीं आप सोचो कि तभी बदले मजलिस क्यों कैंसिल कर देते हैं, तो ये हम बिना वजह तो मतलब ही नहीं है। अब उसकी डबिंग का है कि जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, उसके बाद फिर यहाँ एक शूटिंग भी होनी है। यहाँ कुछ सेट बच्चों ने तैयार कर रखे हैं, तो उसको और अच्छा बना लें, जिन जिन बच्चों ने उसको किया और खूबसूरत बना लें। और आपको थीम बता देते हैं हम, जो अगर कोई नया क्रिएट करना चाहें, अगर कर सकते हैं तो हिम्मत है तो, वो थीम है सपन लोक की, कि सपन लोक में जैसे होता है या अनामी में जैसे होता है कि परियां हैं, उसमें झरने हैं, वो सुनहरी झरने उसको आप कर सकते हैं, तो परी परे उसमें ऐसा कुछ ऐड कर, रियल में बच्चों को बना के भी उसमें ऐड किया जा सकता है। तो ये आप चीजें बना सकते हैं जो उसमें शूटिंग होगी, तो ये आप ध्यान में रखें। स्कूलों वाले जो भी बॉयज स्कूल, गर्ल्स स्कूल, जितने भी हैं, कॉलेज जितने भी हैं, वो बना सकते हैं, जो बने हैं वो उसको और मॉडिफाई कर सकते हैं और नए बना सकते हैं। तो वो इस तरह का थीम है, उसकी शूटिंग कभी भी हो सकती है। तो शादी वाले परिवार हैं और ये दिंदुखी मद के लिए बैंक में 1770 रुपये जमा करवा चुके हैं, आशीर्वाद। और मरणोपरांत ने तिरंगा पर 21 श्रीदान का 21 मेंबर, दोनों दान महादान, और जीते जी गुर्दा दान करने का पर दो मेंबर कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात, महादान। तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करना नहीं भूलते, तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां, मालिक से दुआ करते हैं, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। और ये शादी आपको बताएं हमारे धर्मानुसार है, इसको ब्रह्म विवाह, हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा विवाह ब्रह्म विवाह। दोनों परिवार आपस में सहमत हो, दोनों बच्चे आपस में सहमत हो, लड़का लड़की कोई नशा ना करता हो किसी किस्म का, परिवार वाले नशा ना करते हो, कोई दहेज ना दिया जाता हो, तब ये शादी की जाती है। और साथ संगत हमारे धर्मों में, सभी धर्मों में भगवान का रूप होती है, तो उसके सामने हाथ डाला जाता है।
तो ये धर्मानुसार है और इसको लिखित में भी किया जाता है। सो आशीर्वाद। और साथ संगत में कुछ परिवार आए हैं जिनके परिवार में किसी ने छोड़ा, 9 परिवार आए हैं, सभी का नाम लिया हुआ था, आशीर्वाद। 6 परिवार आस्तियां लेकर आश्रम में देना चाहते, 4 परिवार फजूल खर्ची की बजाय दीनदुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं, परिवार दोनों तरफ नाम रिकॉर्ड में चढ़ के खड़े हो जाए। अस्थियां जो आप आश्रम में लेके आते हैं उन अस्थियों पे एक पेड़ लगाया जाता है और वो अस्थियां से पेड़ चलता है, साइंटिस्टों ने हमने मिलकर एक तरीका अपनाया है। तो वो पेड़, वो आदमी तो चला गया लेकिन उसकी अस्थियों से पेड़ चल रहा है तो वो पूरी समाज का भले का काम है। तो उस आत्मा को भी दरगाह में खुशियां मिलती हैं और उनके परिवार को भी माल के रहमत से नवाजती हैं। तो जिस बाकी आप ले लें भाई अस्थियां जाके, और बाकी जिसने नाम लिया तो वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के जो तेने धाम सचखंड सतलोक का नाम जरूर जाती है। प्रसाद ले लें बेटा, जो जख्म देता मरहम जरूर देगा, प्रसाद लेने के बाद बैठ जाएं। साथ संगत में कोई नशा छोड़ने आया है, कैसा भी नशा आप करते हैं 7 दिन के लिए यहां पे रुकना होगा। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, 7 दिन सेवा सुमन और गुरुमंत्र का जाप करने से भयानक नशा छूट जाता है। लेकिन ख्याल रखना जब नशा छोड़ के जाना यार, दो जो नशेड़ी हैं उनका संग नहीं करना, या रहना फ्री खाना फ्री जरूर तो पड़े दवाई फ्री, तो आप बाद में प्रसाद ले सकते हैं। साथ संग में प्रसाद, पेन, शादी कपड़े, बच्चे कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी कोई लेके आया है तो बैठे बैठे सामान ऊपर कर लो। सारे साथ संगत को अच्छे नए कामों के लिए आशीर्वाद, आशीर्वाद सामान नीचे कर लो। तो प्यारी साथ संगत जी, हाँ कार्ड आप दे दे बेटा सेवादारों को दे दे, विवाह शादी का कार्ड या सेवादार ले लें भाई आसपास। तो हाँ जी, प्रसाद जो पक्की समिति वाले आए हैं आप प्रसाद दे दें उनको। तो आपको यहां से कह के भेजा था भाई कि आप लंगर अभी शुरू कर दें, आगे से ध्यान रखा करें, कोई बात नहीं। तो प्यारी सत्संग जी और जो भी सत्संग था बहुत बहुत स्वागत जी आया अनुक शामदीद कहते मोस्ट वेलकम। थोड़ा समय सज रहना और जब आप वापस जाते हैं तो आराम से जाइएगा। जब तक आप घर नहीं जाते मालिक सतगुरु से प्रार्थना है, सत्संग भंडारों से बढ़ के मालिक आपकी झोलियां भरते रहे, दया मेरे एम से माला माल करते रहे। आराम से जाना, जल्दबाजी ना करना, बस अब थोड़ा सा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहे। आराम से बैठ के लंगर भोजन कीजिए, फिर जैसा आपका विचार, पर थोड़ा समय बैठे रहिएगा।